चलो बेटा चलते हैं यहां से। रुकिए, तुम तो वही हो ना जो हमारे घर आई थी चाकू लेकर। हाँ मैं ही थी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप आए थे हमारे घर रितिका के बारे में पूछने। जी हम वो रितिका से मिलने आए थे, यहाँ रितिका का परिवार रहता था ना। रितिका से आप लोगों को क्या मतलब हो सकता है ये जानने के लिए मैं दो दिन से आप लोगों पर नजर रख रही थी, फिर आपकी और आपकी बेटी की बातें सुनी मैंने। क्या हुआ माँ? तुम सही थे बेटा, इसलिए हम तैयार हैं तुम्हारे और वीर के रोके के लिए। और वो सब सुनने के बाद मैं आपको वीर का सच बताना चाहती थी, क्या किया है उसने मेरी बहन के साथ सब कुछ बताना चाहती। पर फिर आपके घर में आया और देखा तो रोका सेरेमनी हो रही थी, वीर भी था वहां, हमारी फैमिली को बर्बाद करके वो वहां पे खुश। अब से रहा नहीं गया, मैं सोचा वहीं खत्म कर दूंगी उसे। पर क्यों, ऐसा क्या किया उसने तुम्हारी बहन के साथ? छोटी छोटी बातों पे मारता था वो रितिका को। शुरू शुरू में रितिका ने वीर के इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंतिम जब पता चला मैंने कहा भी उसे कि रितिका छोड़ दे उसे, साइको है वो पूरा। और वो हमेशा उसे डिफेंड करती रही। कैसा बना दिया था वीर ने रितिका को कि उसे मार खाना मंजूर था, वीर को छोड़ना नहीं। हम सबसे दिन ब दिन दूर होती जा रही थी रितिका। वीर हमसे कितना ही दूर क्यों ना चले जाए, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो बहुत प्यार करता है हमसे। प्यार तो तुम्हारे पापा ने भी किया था, तुम्हारी मम्मी से, है ना? एक दिन हाथ हो गई, वीर ने रितिका को इतनी बुरी तरह से मारा कि पसली टूट गई। आपने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? सोचा था पर फिर लगा जिन्होंने कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं की इस अकेले सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए नहीं दिखाया। तुम नहीं जानती ये वीडियो दिखाकर तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, ये हमारा वादा है तुमसे। इस वीडियो के जरिए ना सिर्फ हम अपनी बेटी को बचाएंगे, तुम्हारी बहन का भी पता लगाएंगे। हम वीर के चेहरे से उसका नकाब हटाएंगे। भोलेनाथ ने हमको यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। ये रितिका का वीडियो हमको अक्षय को दिखाना ही होगा, हम पार्टी खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। डोंट वरी मी, इस वीर का काम आज होगा तमाम। आप तो मोहिनी जी के साथ एकदम छा गए, क्या बात है, क्या एनर्जी है। थैंक यू। कोई कह नहीं सकता कि उम्र क्या है आपकी, किसी को पता ही नहीं है कि आप 5 बच्चों के बाप हो। बस छवि, क्या बात है? एक्सक्यूज मी पापा, वो हमें आपसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात है छवि, बोलो। पापा हम शादी के लिए एक साल वेट नहीं करना चाहते,
चलो मेरे साथ। छबरी पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को वो सर आंखों पर बिठा दी वो इतना गिरा हुआ इंसान निकला। हमने कहा था नमिता, छवि को बड़ी चोट से बचाने के लिए उसे छोटी चोट देनी पड़ेगी और उसे सहना भी पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बिना हमसे पूछे उसकी शादी की तारीख तय कर दी क्यों? कैसे किया आपने? पापा ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हमी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी जल्दी शादी करने की। क्यों बदला तुमने अपना फैसला? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? वाह, वीर तो कुछ ही दिनों में लंदन चला जाएगा, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? और पढ़ाई का क्या है? वो तो हम लंदन में भी कर सकते हैं। 10 में से 2 दिन तो गए, अब बचे सिर्फ 8 दिन। और फिर वीर जैसे दुनिया के सबसे बुरे लड़के की तुम बन जाओगी सासू। हमने इस बारे में बात की थी ना? अगर माँ चाहती है कि हम वीर के वापस आने का वेट करें तो हम करेंगे। फिर क्या हुआ छवि? किसने तुम्हारे कान भरे? किसने क्या कहा तुमसे कि तुमने अपना फैसला बदल दिया? बोलो छवि। अपराजिता, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? छवि बड़ी हो गई, बच्ची नहीं अभी वो। और तुम ही चाहती थी ना कि छवि इंडिपेंडेंट बने, स्ट्रांग बने, अपने फैसले खुद ले सके, तो ले रही है ना? ये छवि का खुद का फैसला है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसने इतना बड़ा फैसला लिया, हमें बताया भी नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने उसे कान भरे? कोई उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है इसके खिलाफ ताकि ये जल्दी शादी कर ले। इसे पूछने के बजाय इसका साथ दे रहे हैं आप। किसने तुम्हारे कान भरे? कौन तुम्हें बहका रहा है? बोलो छवि। ये स्टूपिड लड़की सबके सामने कहीं मेरा नाम ना ले ले। छवि बोलो। हम सचमुच बहुत डर गए थे। हम डर गए थे कि कहीं हम वीर को भी उसी तरह ना खो दे जिस तरह से हमने पापा को खो दिया था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सारी हदें पार कर दिया तुमने। हद पार हमने कर रहे, हद पार इसने की है। इसने जानबूझकर पानी डाला है मोबाइल पर ताकि वीर की सच्चाई सामने ना आए। ये क्या बोल रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्षय, व्हाट? नाटक करना बंद करो। हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते नहीं है कितना बड़ा खेल खेल रही है ये। वीर के बारे में जानती, अच्छी तरह से जानती है, फिर भी हमारी छवि की शादी उससे कराने पे तुली हुई है। बस अपू, अपनी बेटी को बचाने का भूत तुम पर इस कदर सवार है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब बुरे लग रहे हैं तुमको, सब गलत लग रहे हैं। पहले वीर और अब मोहिनी। पानी मेरे हाथ से गिरा है ना, इसमें मोहिनी की क्या गलती? जरा सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सोचेगी ये, इसका दिमाग चल कहां रहा है? मतलब आई थिंक शी इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। इनफ, यू शट अप। मैं बात कर रहा हूं ना उसे। और तुम, मैं जानता हूं तुम मोहिनी से नफरत करते हो। आई रियली डोंट केयर, तुम जो चाहे करो, लेकिन इस वक्त ना ये ड्रामा मत करो मेरे सामने, प्लीज। देखिए, हम ना तो इनसे प्यार करते हैं और ना ही नफरत। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपने बच्चे से मतलब। और हम नाटक नहीं करते। ये खेल खेलना, झूठ बोलना हमको नहीं आता। झूठ ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे लोग खेल खेलते हैं, हम कुछ नहीं करते। फाइन, मान लिया कि वीर बहुत बुरा लड़का है,
मान लिया कि मैं भी बहुत बुरी इंसान हूँ और मैं जानबूझ के एक बुरे लड़के से तुम्हारी बेटी की शादी करवा ली, पर ये सब तुम कह किस बेसिस पे रही हो? उस वीडियो के जो कभी इस फोन में था ही नहीं। हम जानते थे कि बिना सबूत के आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या क्या करके ये सबूत जुटाया था। ये वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन इसने उस पर पानी डाल दिया, क्योंकि ये जानती थी कि इसी फोन पर इसका भी वीडियो है। वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया था, मैंने किया था। अगर हमने वो वीडियो आपको दिखा दिया तो इसका कट्टा चिट्ठा सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम ये फोन ठीक कराएंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगर तुम सच बोल रही हो अपराजिता, तो इस सच की तह तक मैं खुद पहुंचूंगा। मैं अभी जाता हूं और इस फोन को रिपेयर कराता हूं और पता लगाता हूं कि आखिर इस फोन में ऐसा है क्या। ओह नो, मैं तो वीर की सच्चाई छुपाने चली थी, यहाँ मेरा अपना सच खतरे में आ गया है। हम भी आपके साथ चलेंगे। I'll come with you, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। आज जिस बात का फैसला हो के रहेगा कि सच कौन बोल रहा है। झूठ तो निकलेगी ही ना, पुलिस स्टेशन में इतना तमाशा करने के बाद भी रुकी कहां है ये? झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मेरी मम्मी को झूठा बोला ना, मुझसे बुरा कोई नशा। कोई जरूरत नहीं है, एक बार फोन ठीक हो जाने दो, सच्चाई खुद इसके मुंह पर तमाचा बन के पड़ेगा। बस करो तुम लोग, फिर से शुरू मत हो जाओ। मेहमान है बाहर, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता ना मुझे ड्रामा फिर से नहीं चाहिए। बात मत करना एक दूसरे से, तुम दोनों खास, चलता हूं। अक्षय, कहां जा रहे हो तुम? कुछ काम है, अभी आ रहा हूं थोड़ी देर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने कहा है कि बाहर जाएगा तो तुम्हारी जान को खतरा है। कम ऑन अम्मा, पंडित जी ने कहा और आपने मान लिया, कुछ नहीं होगा, यहाँ बाहर दुकान तक जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा मैं। नहीं बेटा, पंडित जी कभी झूठ नहीं कहते, तू जानता है ना। और आप भी जानते हैं ना अम्मा कि मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। बस यूं गया और अक्षय क्योंकि हम कह रहे थे ना कहीं नहीं जाएगा तू, हमारी कसम है तुम्हें। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा आपके अक्षय को। मेरा जाना इस वक्त बहुत ही जरूरी है अम्मा, इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं छवि के बारे में सोच रहा हूं। अब जानती है मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता हूं, मैं बस यूं आया और यूं आया। देखो ना, देखो अक्षय जिद करके चला गया, गुरु जी की कही हुई बातें कभी गलत नहीं होती। आप खामखा चिंता कर रही हैं अम्मा, अक्षय को कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर है, अभी आ जाएंगे। और बेटा सुनो, तुम जाके छवि के पास बैठो, उसके पास ही रहना, और यहाँ जो कुछ भी हुआ ना उसे पता नहीं चलना चाहिए, भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो मेहमानों को छोड़ के चला गया? तुम दोनों में कुछ बात हुई थी क्या? अम्मा, अक्षय को वापस आ जाने दो, वो खुद ही आपको बता देंगे कि क्या हुआ है।
वीर का मन भी। अम्मा क्या कर रही हैं आप है? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम सब लोगों का खराब हो गया है। हमारे हमारे बेटे का आता पता नहीं और आप लोगों को पार्टी सूझ रही है? जाओ यहाँ से। एक मिनट, अक्षय यानी अभी तो यही था, और इस तरह दूध फेंकने से अक्षय का पता मिल जाएगा क्या? आंटी डैड तो यही थे ना, कहाँ गए? दादी इतनी परेशान क्यों हो रही है? पापा ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, वो बस यही थे, बाहर तक गए थे, उसका फोन नहीं लग रहा तो बस अम्मा परेशान हो रही हैं। आने का न्योता दिया था, अभी जाने का भी न्योता देना पड़ेगा। चलो चलो घर से निकलो, हमारे बाहर घर से निकलो। तुम लोग मेहमानों को संभालो, हम इनको देखते हैं। सुनील जी बस चलिए, जो कुछ नहीं मुझे नहीं। क्या करें यहाँ? अम्मा आपने उनके ऊपर दूध का ग्लास फेंक दिया। शुक्र मनाओ हमने ग्लास फेंका है, सर नहीं पड़ा किसी का। अरे हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना शोर हो रहा है। और तुम क्या कर रही हो यहाँ? अक्षय को फोन किया क्या? क्या कहा अक्षय ने? अक्षय घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सगाई वाले दिन वो क्यों घर से बाहर चला गया? माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फोन रिपेयर करवाने के बाद उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, वो वीडियो देखने के बाद उनको इतना बड़ा शॉक लगा होगा, पर फिर भी वो वीर को बचाना चाहते हो या मोहिनी को। उस वीडियो की वजह से उनका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, ईगो हर्ट हुई होगी। कैसे पता कर रही हो बेटा? दंगों से तुम सबको वही बचा कर लेकर आए थे, और जब यहाँ से जा रहे थे अम्मा उनको रोक रही थी, उन्होंने क्या कहा? इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, छवि के बारे में सोच रहा हूँ। तब जानती है मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता हूँ। उनको उनकी जान से ज्यादा प्यारा उनकी बेटी की जिंदगी है। बेटा अगर उन्होंने वो वीडियो देखा होता तो तुमको क्या लगता किसको बचाते वो, वीर को या छवि को? हम जानते हैं बेटा, बरसों पहले उन्होंने हमारा विश्वास गवाया था, लेकिन आज एक पिता के तौर पर उन्होंने हमारा विश्वास कमाया भी तो है। जाओ बेटा जाकर देखो। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये सच्चाई सामने ना आ जाए, इस डर से कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हो सकता है, वीर या मोहिनी। चलो पापा, छवि की दादी ऐसे क्यों बोल रही थी कि अक्षय को कुछ होना चाहिए? क्या होगा उनको? और अक्षय अंकल पार्टी के बीच में कहाँ चले गए? बेटा तुम जाओ, ढूंढो अक्षय को, ढूंढो।
मतलब? हाँ भैया देखो ना, ये जो फोटो में जो इंसान है वो यहाँ आए थे क्या मोबाइल रिपेयर कराने? हाँ, ये तो 1.5-2 घंटे पहले आए थे। अक्षय, अक्षय, अक्षय। अम्मा दिशा का फोन है, अक्षय के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चला होगा। हेलो। हाँ बेटा। मोबाइल देकर चले गए थे तो मोबाइल रिपेयर हुआ क्या? भैया वो फोन रिपेयर हो गया था ना? मैम रिपेयर तो कब का हो गया था, और उसे लेने कोई और ही आया था। उसने बोला अक्षय सिंह ने भेजा है, रिपेयर के पैसे दिए और फोन लेकर चला गया। फोन कोई और लेकर गया? अक्षय का नाम लेकर? हाँ मम्मी। कौन लेकर गया होगा? वीर तो नहीं था? बेटा सुनो, तुम्हारे पास वीर की फोटो है ना, जरा दिखाओ उस दुकान वाले को। हाँ हाँ एक मिनट। हेलो नर्स सिस्टर, वो आप आने वाले थे ना, आप आए नहीं अभी तक? रास्ते में हूँ मैडम, वो इतना जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, फिर इंजेक्शन मिलने में भी टाइम लगा, आ रही हूँ। अक्षय, अम्मा का होश आया और अक्षय सामने नहीं हुए तो दिशा की बातों से तो लग रहा है कि अक्षय को किसी ने कहीं किडनैप तो। वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया तो मैंने किया था। कहीं मोहिनी ने सबूत बाहर आने के डर से तो ऐसा नहीं किया ना? पर क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है? यहाँ आपकी तबीयत खराब है अम्मा, और वहाँ अक्षय के साथ पता नहीं। बस हम अब और चुप नहीं रह सकते, हमें मोहिनी से बात करनी होगी। प्रभु अक्षय की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। हमें पता है अक्षय ने हमको दुख पहुंचाया, हमारा दिल दुखाया। इस माँ के बारे में सोचिए, उनकी हालत देखिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के पिता हैं वो, पर हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं चाहते। हमारे बच्चे अक्षय से बहुत प्यार करते हैं। अम्मा मर जाएंगे उनके बिना। आप उन्हें बचा लीजिए। हेलो, दुकान पर अक्षय जाने के बाद एक आदमी आया अक्षय का नाम लेकर, और उसके 5 मिनट बाद वहाँ से ट्रक गुजरी। हाँ मम्मा, तब वहाँ आसपास ना ही कोई दूसरा व्हीकल था और ना ही कोई आदमी था सिवाय उस आदमी के। अच्छा, अब डेड एंड। और अक्षय की कार भी कॉलोनी के बाहर ही थी, मतलब अक्षय तो कहीं गए नहीं होंगे, और वहाँ पर सिर्फ एक ट्रक आए। दिशा तुमने क्या कहा था? ये उस दुकान के दाईं तरफ से रास्ता जो जाता है वो आगे खत्म हो जाता है। हाँ, तो उस बाजार से 3 रोड जुड़ते हैं। एक तरफ का रोड डेड एंड है, और दूसरी तरफ का रोड हमारी कॉलोनी की तरफ आता है, और तीसरी तरफ से ट्रक आया, और उस ट्रक के सिवा वहाँ और कुछ नहीं था, कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई। ट्रक या तो हमारी कॉलोनी में आया, मिट्टी अक्षय गुरुजी के मना करने पर भी बाहर गया। मिट्टी हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। कुछ नहीं होगा अक्षय को, यही पास में तो गए हैं ना। आपको आपकी बात सुननी चाहिए थी अम्मा, आप कहती रहीं, लेकिन हमको लगा कि माफ कर दो हमको अम्मा,
ऐसा नहीं था कि हमको आप पर भरोसा नहीं था, पर हम अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो गए कि आपके बेटे को लेकर आपकी परेशानी हमको दिखी नहीं, दिखी क्या समझ में ही नहीं आई अम्मा। अम्मा हम नहीं चाहते कि अक्षय के साथ कुछ बुरा हो, हमारे बच्चों के पिता हैं, हम करते हैं उनकी परवाह। गुरु जी के बोलने के बावजूद भी वो चले गए आज हमारी बेटी के लिए। अम्मा को होश आया? वो आगे वो आगे। अम्मा कौन आ गया? ओ अम्मा आया, मैं ले चलो उनके पास। कौन अम्मा? कुसुमलता, उनके पास ले चलो, हमें उनके पास ले चलो, हमने कहा था ना गुरुजी आ गए हैं, अक्षय को बचाने आ गए, गुरुजी आ गए, हमें डर नहीं है कोई, हम आ रहे हैं गुरुजी। जानते हैं बेटी, हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, जिंदगी भर ना भरने वाले घाव तुम्हें दिए, पर हमने तुम्हें हमेशा हमारी बेटी समझा बेटी। उस हक से हम तुम्हें ये तप करने की विनती करते हैं। हमारे बेटे को बचा लो। क्योंकि गुरुजी की तरह आज भी हम तुम्हें अक्षय की पत्नी मानते हैं। वो पत्नी जिस सावित्री बनकर अपने पति की जान बचाए, आज तुझे बेटी होने का फर्ज और पत्नी होने का धर्म निभाना है। निभाओगी ना बेटी? तुमने बहुत किया है हमारे लिए। ये भी करोगी ना बेटी? करोगी ना? बेटी बताओ, बोलो ना। बोलो बेटी, बचाओगी ना अक्षय की जान? अम्मा अम्मा, लेकिन हम क्या? उससे किसका फायदा होता है? वीर का। तुमने कहावत सुनी है, सांप के कांटे का इलाज सिर्फ सांप के पास होता है, इसलिए इस
मुसीबत का इलाज सर तुम्हारे पास है। अभी जंग खत्म नहीं हुई है मोहिनी। अब तक तुमने चाल चला अपने पति को पाने के लिए, लेकिन अब तुम चाल चलोगी अपने पति को बचाने के लिए। अब ये लड़ाई हमारे साथ नहीं, अब ये लड़ाई वीर के साथ है। तुम्हें वीर से अपना पति वापस लाना है मोहिनी। इस लड़ाई में हम तो तुम्हारे साथ हैं, पर क्या तुम हमारे साथ हो? पांच घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम चाहती हो कि हम अक्षय की पत्नी बनकर इस तब के ना बैठें, तो पांच घंटे के अंदर अंदर पता लगाओ कि अक्षय कहाँ है। क्या कहा उन्होंने? अम्मा मैंने बात की है सुनील जी से, वो अक्षय को ढूंढने में हमारी पूरी मदद करेंगे। पर कब होगा ये? शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, अक्षय का अभी तक पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। ऊपर से ग्रहण लगने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हमने अभी हार नहीं मानी है, हम अक्षय का पता लगा लेंगे। अक्षय जहाँ गए थे ना, वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय एक ट्रक के, और गुरु जी के हिसाब से अक्षय ना तो आसमान में है ना जमीन पर, बीच में। मतलब ये भी तो हो सकता है ना अम्मा कि अक्षय उस ट्रक में। बस उस ट्रक के नंबर का पता चल जाए। अगर सच में ऐसा कोई ट्रक है तो फिर मैं सुनील जी से कहती हूँ कि जल्द से जल्द वो ट्रक को ढूंढे। जिसको जो कहना है वो कहो, पर हम बता रहे हैं अब अक्षय को सिर्फ बिट्टी का तप भी बचा सकता। अम्मा अगर अक्षय के लिए तप करना है तो वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अक्षय की पत्नी मैं हूं, अपराजिता नहीं। आप जानते हैं ना, हम 1 मिनट नहीं लगाते हाँ कहने के लिए। हम ये तब करना चाहते हैं क्योंकि वो अम्मा के बेटे हैं, हमारे बच्चों के पिता हैं, पर हम पत्नी के नाते ये तब नहीं कर सकते। ना वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं, ना हम। पंद्रह साल से हम सिर्फ अम्मा की बहू बन कर रहे हैं, अपने बच्चों के मां बन कर रहे हैं, अब पत्नी कैसे बन जाए? गुरुजी कहते हैं कि पत्नी के तप करने से उनकी जान बचेगी, अब कहां से लाए वो पत्नी वाला मन? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम वो करें जो गुरुजी और अम्मा चाहते हैं, या वो जो सच्चाई है? आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए, आप ही जवाब दीजिए। जवाब मिल गया बेटी। एक स्त्री का सुहाग उसके सांसों से बंधा होता है। जब तक सांसें हैं ये धागे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बस बेटी इन्हीं धागों में तुम्हें अपनी साधना को पिरोना है। इस तप को आरंभ करने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं है बेटी, तुम्हें अतिशीघ्र निर्णय लेना होगा। फिर रख के
तुमसे कह रही हूँ अपराजिता, फिर अक्षय की जान बचा लूं। मेरे होते हुए भी ये हक तुम्हें दिया जा रहा है, प्लीज मेरे अक्षय की जान बचा लो, ये तब कर लो अपराजिता प्लीज। मोहिनी, हाय, मैंने सुना अक्षय भाई साहब गायब है, घर नहीं लौटे। हाय हाय, सब ठीक तो है? हाय हाय, कल रात को पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो बीच पार्टी से चले गए? कुछ भी नहीं हुआ, वो अक्षय मोबाइल रिपेयर करने गया था और उसके बाद लौटा ही नहीं। अक्षय भाई साहब कल रात से नहीं लौटे और तुम घर पे क्या कर रही हो? जाओ ढूंढो उन्हें। ढूंढ रही हूँ मैं पपी, हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं हुई हूँ। मैंने अपने और अपने भैया के सारे कॉन्टेक्ट लगा दिए अक्षय को ढूंढने में, इनफैक्ट कल से बच्चे भी इसी में लगे हुए हैं। मिली है कुछ इन्फॉर्मेशन कि अक्षय किस एरिया में हो सकता है? जस्ट होप कि वो जल्दी मिल जाए। हाय हाय, परमात्मा ही देखो कैसे कैसे दिन और कैसी कैसी रातें दिखाता है। एक दिन अप्पू अपने बच्चियों को लेके इस घर से बेघर हुई थी और अब अक्षय भाई साहब कि कल रात से लौटे नहीं। भाई अप्पू होगा इस घर से बेघर, ध्यान रखी। चल कृष्णदास जी, ध्यान रहे, अपराजिता अर्थात अक्षय की धर्मपत्नी के अतिरिक्त कोई इसे स्पर्श नहीं करेगा। परिवार के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया है ना? हाँ गुरुजी। शशिदास जी, गुरुजी हमें ध्यान कक्ष में ले चलो। जो तप कर रही है उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं ना दिशु दी के पास जाती हूँ, ठीक है? निया, तुम इतना टेंशन मत लो, हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मैं, मम्मा, दिशु दी, छवि दी, हम सब इतनी जल्दी कभी हार नहीं मानते। आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं एक दिन डैड से दूर रही और मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, और तुम तीनों, तुम लोग इतने साल डैड के बिना, आई कांट इवन इमेजिन कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। आई एम सो सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता जब मैं पैदा हुई थी ना, पापा नहीं थे मेरे साथ। छवि दी, दिशु दी, उन दोनों को सब कुछ याद है पापा के बारे में, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन फिर जब पापा हमारी लाइफ में आए, जब मैंने पापा को देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब दोनों पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तब कितना स्पेशल फील होता है। और अब
अब जब पापा का कोई पता नहीं चल रहा तो उसकी स्पेशल फीलिंग को लेकर मुझे इतना डर लग रहा है ना। आई जस्ट होप वो जहाँ कहीं भी है वो सेफ हो और हमारे पास जल्दी वापस आ जाए। और ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा जानी। ये खून के निशान, ये कैसे हुआ वीर? कुछ नहीं, वो माँ ने तुम्हारे पापा की सेफ्टी के लिए अखंड जोत जलाई थी तो बस दिए के कोने से माँ के हाथ में चोट लग गई, तो बस उन्हें बैंडेज ही लगा रहा था तब को ये खून लग गया। पता नहीं, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू वीर, तुम नहीं जानते हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे पापा के लिए इतना कुछ कर रहे हो। घर में भी तब शुरू होने वाला है, हम जानते हैं इतने सारे लोगों की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तुम भी अब टेंशन मत लो।